हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मैंने एक्सटर्नल फ्लैश पर काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं, इसके कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताए हैं, इसके स्पेसिफिकेशंस बताए हैं, पर मुझे कमेंट में मिस्टर वैभव पोहरकर ने पूछा कि क्या हम बर्स्ट मोड यूज़ करते समय एक्सटर्नल फ्लैश यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। तो दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि ऐसे वीडियो के टिप्स एंड ट्रिक्स के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए आपको बता दूं कि निकॉन DSLRs या किसी भी DSLRs में हम बर्स्ट मोड के साथ एक्सटर्नल फ्लैश यूज़ कर सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पर मैं आपको सेटिंग करके बता देता हूँ। देखिए, हमने बर्स्ट मोड को हाई सिलेक्ट किया हुआ है और ये एक्सटर्नल फ्लैश में मैंने मैनुअल मोड पर 1:64 का पावर सेट किया है। इसके अंदर जो सेल्स है डबल ए बैटरीज है, वो एनालूप की प्रो बैटरीज है। तो आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर बर्स्ट मोड पर ये फ्लैश काम करता है कि नहीं। ये देखिए, 1, 2, 3। तो देखा दोस्तों आपने, काफ़ी अच्छे तरीके से ये जो है फ्लैश कैमरे के साथ अपना जो है फ्लैश फायर कर रहा है। और हर एक शॉट्स पे देखिए, हमें यहाँ पर ये देखिए, हर एक शॉट्स पे हमें फ्लैश का पावर मिला है और कोई भी ऐसा फ्रेम मिस नहीं हुआ है। तो दोस्तों, आप एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर आपको बर्स मोड पर एक्सटर्नल फ्लैश यूज़ करना है तो आप इसके अंदर जो बैटरी है वो एनालूप प्रो की यूज़ कीजिए। अगर आप साधारण बैटरी यूज़ करोगे जैसे एवरेडी या निप्पो गोल्ड, ये सब टाइप की जो लोकल सस्ती बैटरीज मिलती है, उसका जो रिसाइकलिंग टाइम बहुत स्लो होता है। वो फ्लैश को वापस से रेडी करने के लिए कम से कम 2 से 3 सेकंड ले लेते हैं। शुरू में आपको फास्ट फायरिंग देंगे, लेकिन जैसे ही वो बैटरी का पावर स्लो होने लगेगा, कम होने लगेगा, वो फ्लैश को रिसाइकल करने में भी देरी करेगा। तो अगर आप एनालूप प्रो बैटरी यूज़ करते हो तो उसका रिसाइकलिंग टाइम बहुत ही फास्ट है। वो आपके फ्लैश को फायर होने के बाद तुरंत उसे रेडी कर देता है नेक्स्ट फायर के लिए। तो इस तरह जो है आपको ये ध्यान रखना है कि बैटरीज अच्छी यूज़ करनी है और फ्लैश के पावर के ऊपर भी डिपेंड करता है। दोस्तों, अगर आप फ्लैश को फुल पावर पे रखोगे, 1:1 जो उसका मैक्सिमम पावर है, हो सकता है आपको बर्स्ट मोड में कुछ शॉट्स जो है मिस हो जाएंगे, क्योंकि 1:1 बहुत ज़्यादा पावर होता है और उस पावर को रेडी करने के लिए बैटरीज़ को भी उतना टाइम जाता है उसे रिसाइकलिंग करने के लिए। तो फ्लैश को अगर आप नॉर्मल इस पर रख दो, 1:64 या 1:28, तो उस पर आपको अच्छा खासा बर्स्ट मोड में ये जो है फ्लैश काम आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको दोस्तों इस वीडियो से जानकारी मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि ऐसे वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स। एन्जॉय फोटोग्राफी।